डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मीनाक्षी मृणाल कुमार, मारवाड़ी कॉलेज रांची, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बच्चों, हम लोग कुछ क्वेश्चन और आंसर देख रहे थे। आज हम लोग चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। चैप्टर 9 था आपका लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति। इसकी मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन को हम लोग पहले देखेंगे। इससे पहला क्वेश्चन है, गठबंधन का क्या अर्थ है? गठबंधन का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक समूह में इकट्ठा होना, ऑप्शन बी लोगों का समूह, ऑप्शन सी राज्य या दलों का समूह और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम गठबंधन सरकार कब बनी? भारत में प्रथम गठबंधन सरकार कब बनी? ऑप्शन ए 24 मार्च 1977, ऑप्शन बी 25 अप्रैल 1977, ऑप्शन सी 23 मार्च 1977 और ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर है भारत में प्रथम गठबंधन सरकार ऑप्शन ए 24 मार्च 1977 को बनी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें चार ऑप्शन है आपके, ए वीपी सिंह, बी देवेगौड़ा, सी इंद्र कुमार गुजराल, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। चौथा क्वेश्चन है, 1984 में कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा? इसमें ऑप्शन है, ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी देवराज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजीव गांधी। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी के रूप में कब अस्तित्व में आई? इसके ऑप्शन है, फरवरी 1987 में, बी फरवरी 1980 में, सी जनवरी 1951 में, डी मार्च 1957 में। तो इसके सही आंसर हैं ऑप्शन बी फरवरी 1980 में। छठा क्वेश्चन है आपका, जनता दल कब सत्तारूढ़ हुआ? इसके चार ऑप्शन है, ए 1990 में, बी 1989 में, सी 1988 में और डी उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जनता दल ऑप्शन बी 1989 में सत्तारूढ़ हुआ। क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है आपका, 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? इसमें चार ऑप्शन है, ए जयप्रकाश नारायण, बी चंद्रशेखर, सी वीपी सिंह, डी लालू प्रसाद यादव। तो इसका सही आंसर है 1988 में
जनता दल के संस्थापक वीपी सिंह रहे, यानी ऑप्शन सी वीपी सिंह। क्वेश्चन 8, जनता दल के बार बार विभाजन का प्रमुख कारण था। ऑप्शन ए पार्टी नेताओं का महत्वाकांक्षी होना, ऑप्शन बी अंदरूनी कलह, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें आप सही आंसर होगा इसमें सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, जनसंघ का एक हिंदू राष्ट्रीय पार्टी के रूप में गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1951 में। 10वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? भारतीय इसमें ऑप्शन आपका दे है ऑप्शन ए भारतीय जनसंघ, ऑप्शन बी भारतीय क्रांति दल, ऑप्शन सी भारतीय लोक दल, ऑप्शन डी भारतीय जनता दल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय जनसंघ। तो ये आपके मल्टीपल क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन जो आपको 2 नंबर के लिए आते हैं। ये इसमें पहला क्वेश्चन है, 1990 के दशक में अंतिम वर्षों में देश में कौन कौन से उछाल आए, यानी 1990 के दशक आखिरी वर्षों में देश में कौन कौन से उछाल आए थे? इसके आंसर के लिए आप लिखेंगे कांग्रेसवाद का अंत होना, दूसरा राजनीति में मंडल मुद्दा का उदय होना, तीसरा नए आर्थिक सुधार, चौथा धार्मिक संगठनों का उदय हुआ होना, और 5वां कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव। दूसरा क्वेश्चन है, गठबंधन से आप क्या समझती हैं? ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इसलिए इसको जरूर से आप लोग देख लीजिएगा। इस एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ ले, गठबंधन से आप क्या समझती हैं? इसके आंसर में आप लिखिएगा, लैटिन में कोअलिशन गठबंधन जिसे कहा जाता है का अर्थ है एक साथ बढ़ना। शब्दकोश में दिए गए अर्थ के अनुसार गठबंधन का अर्थ है एक समूह में इकट्ठा होना या लोगों राज्य व दलों का संघ। W.H. राइकर के अनुसार गठबंधन का प्रयोग राज्य शक्तियों की विभिन्न कार्यवाहियों को करने के उद्देश्य से बनाए गए अस्थाई संघ या गठजोड़ के लिए किया जाता है। यह विभिन्न दलों या विभिन्न दलों के सदस्यों का समूह भी होता है जो एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन की राजनीति की 2 विशेषताओं को बताएं। इसके आंसर में आप लिखिए, पहला गठबंधन में 2 या 2 से अधिक भागीदार होते हैं, और दूसरा गठबंधन किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए की गई अस्थाई एकजुटता के सामान्य तथ्यों पर आधारित होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। हर ग्रुप के लिए अलग क्वेश्चन है आपका, तो ये 1 नंबर और 2 नंबर के क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा है।
नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग और भी क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ओके, थैंक यू।